गुरु विंस कैनेडे मिकमैन की तो शामत आ चुकी है क्योंकि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है फायर्ड विंस मिकमैन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर ने धमाका तहलका एक साथ मचा दिया मंडे नाइट रॉ के अंदर, अपना हील टर्न कर लिया, कोडी रोड को सुप्लेक्सिटी स्टील चेयर F5 का शिकार बना दिया क्योंकि यहाँ पर बीस्टी मोड ऑन हो चुका है। अब काउबॉय ब्रॉक लेसनर बहुत ही जल्द आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है और रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकता है आपको बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो नेक्स्ट अपडेट आती है विंस कैनेडी मिकमैन की। तो WWE को बेचने के बाद ट्विटर पर विंस कैनेडी मिकमैन के हैशटैग बहुत ही ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। विंस फायर ये हैशटैग बहुत ही वायरल हो चुका है। अब मुझे लगता है कि WWE में एक बार फिर से विंस मिकमैन हमको दिखाई देने वाले हैं, यानी कि जब वो क्रिएटिव कंट्रोल में आएंगे तो पूरे के पूरे सुपरस्टार बैक स्टेज बहुत ही घबरा चुके हैं और इस वजह से ही वायरल हो चुका है ट्रेंड ट्विटर के ऊपर विंस मिकमैन इज फायर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट आती है रॉयल रंबल से लेकर। तो रॉयल रंबल 2024 का कौन जीत सकता है, इसके नंबर वन पर बैठे सेट फ्रिकी रॉलिंस कि वो जीतेंगे 2024 का रॉयल रंबल और वो चैलेंज ठोकेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और सेट रॉलिंस और रोमन रेंस का अनफिनिश अभी बाकी है। जिस तरीके से रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था सेट रॉलिंस को, उसी तरीके से रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का तक अपने नाम कर जाएंगे सेट फ्रेकिंग रॉलिंस। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।